अगर पैसों में इतनी गर्मी ना होती तो एटीएम में कभी एसी ना लगते। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपके औकात देखते हैं, अगर नहीं है तो अपनी औकात दिखाते हैं। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितने रंग इंसान बदलता है पैसों को देख के। नाइस नाइस गुड जॉब। जैजनेन डेनी के पापा, जैजनेन डेनी के पापा, ओ डेनी के पापा। गए बेटा पापा, गए गए क्या? चलो आओ आओ, जल्दी पहन लेके आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अभी आप वो चौकी लेके गए हैं, क्या बोलते हैं, जो रखी थी ना एक्स्ट्रा, जिससे मेरे लग जाती थी कई बार ही, तो मैंने वापस भिजवा दी है। तो लेके गए हैं और अभी आप सोचोगे देखा क्यों नहीं, तो वो लगाने में इतना बिजी थे कि वो नहीं देखा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। क्या क्या हो गया? क्या रात को मैडम चूटी खोल के सोती है ना, बनती नहीं है। क्या बेटा क्या सो ब्रेकफास्ट हो गया, और आज ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था, मैगी बनाई थी। और मैगी बनाने के साथ साथ फिर हम लोगों ने, ठीक है बेटा ठीक है, मैगी बनाने के बाद मैंने काम वाम निपटा दिया किचन का, सिर्फ झाड़ू की तो सफाई रह गई है। आज जल्दी उठ गए थे, मैंने कल ही बोल दिया था अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो ये सजा मिलेगी। सच में मैंने सजा दे डाली इनको, मैंने एक दिन तो गुस्से में बनाया नहीं। तो इनका क्या है कि 11 बजे तक उठना, इतना लेट उठना, फिर मेरा काम करना, आप समझो 1 बज जाएगा, फिर दोपहर का खाना हो जाता है, तो वही 3-4 बजे रेस्ट मिलता है। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब मैंने कल से अगर तुम 9, 9:30 बजे तक से पहले अगर नहीं उठे तो नाश्ता नहीं बनेगा और खाना भी नहीं बनेगा। उठना सीखे जल्दी। और पति को धमकी देते रहो तो भी नहीं समझ में आता, करके दिखाना पड़ता है। एक दिन किया बस लग गए, फिर नहीं दोबारा नहीं बोले। ये मेरा एक फ़ोन का चार्जर ख़राब होने की वजह से दूसरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पा रहा यार, बड़ा ना दिक्कत रह रहा है। अभी मुझे करनी है बहुत सारी क्लीनिंग, है ना, तो नो मैं लिस्ट बना रही थी, बिकॉज क्या होता है जब भी हम जो मेन सामान लेने जाते हैं वो भूल जाते हैं, तो मैं लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या क्या लेके आना है। अभी बर्तन रखने का जाल लेके आना है जो हम धोके रखते हैं वो वाला, प्लास्टिक के भी मिल रहे थे पर मेरा मन नहीं मान रहा है प्लास्टिक को लेके, मुझे स्टील का ही लेना है। देखो 250 का अगर प्लास्टिक का आता है तो 250 का अगर हम स्टील का लेते हैं तो, मतलब 500 का अगर स्टील का लेते हैं तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कम से कम उसमें पैसा वसू, ये तो है वो काफ़ी टाइम तक तो चलेगा ना। और एक चाय छानने वाली लेके आनी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें लानी है मुझे, सेट करना है अभी बहुत कुछ सेट करना है। चलिए करते हैं कमाई पीछे। पहले मैं ना इधर से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे चिड़ियों के लिए खाना डाल देती हूँ ना, तो यहाँ चिड़ियों ने, ये गंदा हो गया है, तो जब बारिश आएगी तो धुल जाएगा, लेकिन फिलहाल से मैं यहाँ से सफाई कर दे रही हूँ इसकी। बारिश आती है तो धुल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आउच लग गई, इसमें दाल डाली थी मैंने चिड़ियों के लिए, खा गई सारी, थोड़ी बहुत बची हुई है, हटा दूंगी। बिस्तर ठीक वगैरह हो जाते फिर नहीं हो पाता। सो गाइज मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने पति का स्किन का क्लीनिंग। एक्चुअली काफ़ी दिन से उनका फेस जो है टैनिंग हो रहा था, और आज शेव करा के आए थे, तो मैंने थोड़ा सा चिक्स, उनका जो चिक है उसको थोड़ा दबा के देख रही थी, बहुत सॉफ्ट लग रहा था। टैनी देख रही है, मम्मी क्या करिए, कह रही हवा पापा हुआ, उसका बाल माथे पे आ जाता है। सो मैं इन, ये काफ़ी दिन से मुझे बोले जा रहे थे, और जो भी प्रोडक्ट मैं इनके फेस पे यूज़ कर रही हूँ जल्दी मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी।
और बहुत अच्छा है जो भी है। और मैंने कहा लाओ मैं ही कर देती हूँ, मुझे वैसे किचन में भी काम था, बट मैंने कहा लाओ कर दो क्योंकि बहुत दिन से बोल रहे हैं। फिर मैंने वो फिर बोले कि अगर तुम कल करोगी परसों करोगी, उनका शेप का जो ग्रोथ है बहुत जल्दी आता है, तो बोले कि लाओ आज ही कर दो, आज मैं क्लीन शेप करा के आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है लाओ कर देती हूँ, तो फिर मैंने उनका कर दिया। और टैनिंग को देखो कितना मस्त लगी है। तो सबसे पहले मैंने इनको जो किया है वो मैंने यहाँ पे स्क्रबिंग की है इनके फेस की, और इनसे बोला है जाओ धो के आओ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इनको हल्का सा जेल से मसाज दूंगी, और जो भी क्योंकि स्क्रब करने से हमारा पोर्ट सा ओपन हो जाता है, तो जेल से थोड़ा सा मसाज देने के बाद मैं क्योंकि थोड़ा सा जलन भी होता है ना हल्का सा, तो उसका जो इनके वाइट सिट्स एंड ब्लैक हिट्स नोज़ पे हो जाते हैं, नोट्स के कॉर्नर में हो जाते हैं, तो वो रिमूव कर रही हूँ। मेरे पास एक उसका टूल है रिमूव करने के लिए, तो उससे मैं रिमूव कर रही हूँ। टैनिंग लाओ पापा मैं लगाऊँ, मेकअप ब्रशेस लेके बैठी हुई है, लाओ पापा मैं लगाऊँ, लाओ पापा मैं लगाऊँ। सो बस वही निकाल रही हूँ इसे, और क्या बोलते हैं बड़े आराम से करा रहे थे। मैं बोल रही थी आप अपने आप को राजा महाराजा समझ रहे होगे, क्योंकि मैं ऐसे इनका बहुत हार्डली कम करती हूँ, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है बहुत कम, मतलब मुझे बोलना पड़ता है करा लो या कर लो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं ही करती हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा आता है जब ये मेरे पास बैठे और मैं इनका ऐसा कुछ कर रही हूँ। सो फाइनली आज वो दिन आ गया था। सो यहाँ पे फिर मैंने बार बार फेस वॉश किया, करना मैंने एक टिश्यू लिया और उस पर टोनर पूरे फेस पे किया और टोनर से क्लीन अप कर दिया। अभी मैं इनका जो फेस पे मतलब जो था जो भी वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स वो निकल गए, फिर मैंने इनका फेस पैक लगाया फेस पे। मैंने इनको बोला फेस पैक लगा देती हूँ, आप लेट जाना और सूख जाए तब इसको वॉश करना है। तो टैनी देख रही है मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, एंड गाइज ये ब्रश औसम है। मैं सोचती थी ये औसम नहीं है, बट अब मुझे इनका असलियत पता चल रही है, बहुत 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 अच्छा ब्रश है ये। और मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड ये देखिए इनको पूरे फेस पे मैंने पैक लगा दिया, मैंने बोला आप रिलैक्स करो मुझे किचन में जाना है, मैं किचन में जा रही हूँ। टैनी बोली मम्मा मुझे भी लगाओ, मम्मा मुझे भी लगाओ, बट बच्चों को नहीं लगा सकते, तो मैंने बोला नहीं आपको नहीं, बोले नहीं मम्मा मुझे लगाओ। इनका ना बहुत ज़्यादा फेस एकदम डल काला और ऐसा होता जा रहा था डे बाई डे, मैं देख रही थी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा लाओ मैं ही करती हूँ, वो मानेंगे नहीं करेंगे नहीं लेट गए आराम। तो अभी मैंने यहाँ पे ना मैदा को छान लिया है, और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ नीमकी। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब 250 ग्राम मैदा में 1.5 कप छोटा आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिए, मैं यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, जितना आपको खस्ता करनी है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हो, तेल मत लीजिएगा बस। और अजवाइन डाल दिया है, अगर आप अजवाइन नहीं है आपके पास काला जीरा यानी कि कलौंजी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और आप ऐसे इसको मतलब लड्डू बना के देखिए, अगर लड्डू बन रहा है तो आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ठीक पड़ा है। उसके बाद आपको धीमे धीमे पानी करके इसको डालते मार लेना है, और हमारी जो मैदा है उसका जो डो है वो हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, वरना जो हमारी निमकी है वो एकदम से भी अच्छी नहीं मतलब सॉफ्ट और जो भुरभुरी होती है ना वो नहीं बनेगी। और ये भी मैंने भी कहीं से सीखा है, फर्स्ट टाइम मैं ये सब कर रही हूँ। अभी जब भी हम इसका पेड़ा बनाएंगे तो ये खींचेगा, तो हमें इस तरीके से इसको थोड़ा सा जो है कर लेना है इससे ऐसे एक बार, चाहे आप चकले पे कर लीजिए चाहे मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से ऐसे मत लीजिए और चिकना कर लीजिए, इसको सॉफ्ट नहीं करना है चिकना करना है, तो ना तेल लगाना है ना पानी। अभी हम एक पेस्ट बनाएंगे, वो मैंने डो अलग रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है एंड उसमें एक चम्मच मैदा डाली है मिक्स किया है, फिर एक और चम्मच मैदा डाली है और उसको मिक्स किया है। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। आप अपने अगर ज़्यादा बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट बनाइएगा। अब आप सोचोगे ये क्यों बना रहे हो, तो वीडियो पूरा देखिए। तो ये मेरा थोड़ा सा चिकना हो गया था, अब अभी हम इसको लड्डू जो एक पेड़ा सा बनाएंगे इसका, इसको भी फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने तब किया था, इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे मोड़ेंगे। अब हम इसको बेलेंगे, और आप जितना बड़ा जितना पतला इसको बेल सको उतना पतला और इतना बड़ा इसको बेलिए। आड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई टेंशन नहीं, जैसे
जैसे वो फट रहा था, फटना नहीं चाहिए। आप भले ही उसको फिर से ना रिपीट कीजिए जैसे कि मैंने किया है, तो आड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो वैसा कीजिए। मैंने उसको फिर से गोल करके पूरा पतला पतला है, और सारी जगहों से एक जैसा बेलना, कहीं से मोटा पतला नहीं करना। और जो पेस्ट है उसको अच्छे से इस पर फैला लेंगे। मैं तो चम्मच की हेल्प से ही करूँगी, वो सॉरी हाथ की हेल्प से करूँगी, मुझे ना चम्मच से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। और इस तरीके से पूरे पर फैला लीजिए और बिल्कुल इक्वल बेलना है, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको फोल्ड करेंगे एकदम पतला पतला, ठीक है। और एकदम पतला पतला ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और जिधर से भी मोटा पतला है इसको इक्वल कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े कट करेंगे, छोटे छोटे पेड़े, चाकू की हेल्प से छोटा छोटा पेड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए। अभी आप सोचोगे ये कैसे, तो ये इसी तरीके से हमारी लेयर वाली जो है बनेंगी। अभी ये देखिए दबाया और पेड़ा जैसे बन गया, इसी से हमारी जो लेयर वाली बनेगी। अब ये सारा मैंने बना लिया, अभी इसको हल्के हाथ से आप बेलते रहिए। और इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा प्रेशर करके करोगे तो जो आपकी लेयर हैं वो चिपक जाएंगी। तो ऐसे आपको जैसे हम पूड़ी बेलते हैं उस टाइप से आपको बेल लेना है। और बेलने के बाद में आपको क्या करना है, जो पेस्ट हमने बनाया है जैसे कि उसको हल्का सा इस पर लगा लेना है, पूरे पे फैला लेना है। और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे भी लगा लेंगे हल्का सा, और इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको हल्का सा जैसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और इसको इसमें चाहे हो तो फोक की हेल्प से, चाहो तो चाकू की हेल्प से आप इसमें होल कर सकते हो, जो डॉट डॉट करके छेद कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जब आप सेकोगे इसको तो पूड़ियाँ जो ये जो है फूलेंगी नहीं, और ये रेक्टेंगल शेप में बनके तैयार हो गई हमारी निमकी। अब इनको सेकने की बारी। जितनी जल्दी आपको ये दिखी है ना उतना ही देर लगी थी। और ये देखिए मैंने वहाँ पे सारी बना के रख ली थी, आप ऐसे कर सकते हो। और फिर तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना मतलब हल्का ही आँच पे गर्म होना चाहिए, और आप इसमें डाल सकते हो। और मैंने यहाँ तेल कम रखा था पहले, फिर मैंने बाद में बढ़ाया। और जैसे आपका बढ़ जाए उसके तेल बढ़ेगा तो उसमें डूब जाएंगे, और आप आराम से इनको सेक सकते हैं। और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम और स्लो के बीच में रहना चाहिए, मतलब मीडियम ही रहना चाहिए, फुल नहीं रहना चाहिए। और डालते ही जैसे आपका हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकिए, जैसे कि मेरे हो गई हैं। और ये बहुत अच्छी, एकदम मेरे हस्बैंड ने एक बार ही खाया और बोला पास, क्योंकि उनको उनको हर चीज़ सॉफ्ट चाहिए होती है, उनको मतलब नहीं पसंद है टाइट टाइट चीज़ें खाना। और एक बार में पास कर दिया, मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो मेरी मेहनत वसूल। तो अभी भी मैं इनको निकाल लूँगी, आप किसी भी बर्तन में निकाल लो, ठंडा होने के बाद इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। मैक्सिमम आपको इसको 15-16 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हो, खा सकते हो, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और मैंने यहाँ पर निकाल लिया, मुझे ना एक झबिया भी लेके आनी है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई, आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितनी लेयर्स हैं। ये देखिए कितनी लेयर्स, आपको जब खाएंगे तो आपको फील होंगी। ये देखिए, और हाथ लगाने से ही ना फूट जा रही है, हाथ लगाने से ही हल्का सा हाथ टच करो। ये देखिए मतलब होठों से आप खा सकते हो, दांतों की ज़रूरत नहीं है। सो मैं हो गई हूँ फ्री, और मैंने अपना वीडियो पब्लिक होने के बाद ना कॉमेंट रीड किए ज़्यादा, मतलब मैं जो मटरियाँ सेक रही थी, मैं जो निमकी है उनको सेकने में बिजी थी। तो कुछ भी जैसे किसी ने बिना वीडियो देखे या 2 मिनट देखा और इसने कमेंट किया तो वो कमेंट मुझे शो नहीं होता, और बिलीव मी अभी भी मुझे शो नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में शो हो रहा है। तो किसी ने मुझे पूछा आपने शॉर्ट्स पहना है, और पहले मुझे वो शॉर्ट्स समझ में आया नहीं आया, मैंने वहाँ नो लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा वहाँ पे लिखा है, और मेरी एक फ्रेंड है उनका फ़ोन आया कि ट्विंकल आपने पहना है तो आपने रॉन्ग क्यों लिखा है। फिर मैंने कहा ऐसा है, एक्चुअली मैं किचन में सेक रही थी, मेरा अभी भी फ़ोन बज रहा है, मैं किचन में सेक रही थी, तो मैं जल्दीबाजी में जो कमेंट का रिप्लाई था वो करती जा रही थी, नहीं देखा गौर से। अभी वहाँ पे उस बवाल हो गया और एक बंदा आके खूब उल्टा सीधा बोल गया। अभी मैं हस्बैंड से पूछवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं शॉर्ट्स पहनी हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, जब हमारे घर में मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग सास को ले आए, ससुर को ले आए, कि फैमिली में देखते ये नहीं देखते वो नहीं देखते, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं पहनूं ना पहनूं कुछ भी करूं। और रही वहाँ पे झूठ की बात, तो वो मैं जल्दबाजी में कमेंट कर रही थी, बाई मिस्टेक हो गया होगा, बाई मिस्टेक मुझे नहीं पता, बाई मिस्टेक हो गया होगा वहाँ पे।
मैंने क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और मैं ठीक से रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ किसी का भी, हाँ हूँ थैंक यू बस ऐसा रिप्लाई की हूँ। वहाँ पूछा शॉर्ट्स पहना है, तो एक जगह तो मैंने ठीक से पढ़ा तो मैंने वहाँ पूछा व्हाट, क्योंकि स्पेलिंग की कोई कोई एस आर टी लिख देता है, कोई एस एच ओ आर टी लिख देता है, और अगर लगता है झूठ है तो ठीक है भैया झूठ है, ठीक है सुना तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने शॉर्ट्स पहनी, मैंने जानबूझ के तो वैसे दिखाई नहीं, सच बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई जानबूझ के दिखाई, मैं कभी दिखाती हूँ ऐसी कोई चीज़? जैसे नॉर्मली घर पे काम करते हैं पहन के वैसे ही काम कर रही थी बस, वो बाई चांस दिख गई। मैं रात को पहन के नाइटी पहन के सोते हैं, बहुत से लोग शॉर्ट्स पहन के सोते हैं, तो मैं भी अपने घर में सोती हूँ, और वो मॉर्निंग में इसलिए कभी जब मैंने ट्राउजर डाला होता है तो मैं आपको पूरा रूटीन दिखा देती हूँ, जब शॉर्ट्स डाला होता है तो मैं आपको हाफ रूटीन दिखाती हूँ, नहीं दिखाती मैं पूरा। तो अगर दिख गया तो क्या प्रॉब्लम है? अब मैं पहन के भी दिखाया करूंगी, और जिस जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे चैनल से जा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि 10K नहीं हुए अभी से एटीट्यूड, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरा बात करने का तरीका ही यही है, मैं ऐसे ही आंसर करती हूं। और बट आज के बाद कोई हेटर का रिप्लाई नहीं होगा, जिसको जो बोलना है बोल के जाए, बस ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि वो बाय मिस्टेक मिरर में दिख गया है, मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि आप लोगों को ये सब दिखे, बट अब मैं जानबूझ के भी दिखाऊंगी, और जिसको जो बोलना है बोल रहा, और जो जो गाली दे रहा है ना वो उसको तो मैं बताती हूँ अब अच्छे से, अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है, जो बहुत स्मार्ट समझ रहा है ना गाली दे के अपने आप को, पहले अपनी फैमिली में देख ले कि तेरी फैमिली में कौन क्या पहनता है, समझा? तब यहाँ पे मुझे बोलने आ रहा, मेरा मन मेरा तन, मैं जो चाहे पहनूं जो चाहे करूं, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना आजकल की लड़कियां ना कुछ नहीं कर पा रही है, समझ में आया? जो मुझे गाली दे रहे ना अपने घर में, अपने आप की शक्ल देख ली शीशे में जाके, तब तुझे पता चल जाएगा कि तू कैसा है, चाहे कैसा है या कैसी है, जो मुझे नहीं पता कौन है तू, पर ये याद रखियो अपनी शक्ल देख लियो एक बार कि हम दूसरे बंदे को कैसे बोल रहे हैं, और तुझे फर्क क्या पड़ता है कि मैं कुछ भी पहनूं, मैं ससुराल में घूमू मायके में घूमू रोड पे घूमू, तो होता कौन है? तू जज है? हाँ मेरा पेरेंट्स है, मेरा हस्बैंड है, कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तन खरीद नहीं लिया है किसी ने कि जो मुझे पहनना है रोकोगे, किसी के भी बाप में दम नहीं है जो मुझे रोक सके, मुझे बोल सके, ना आप लोगों ने मुझे खरीदा है ना मैंने आपको अपने आप को बेचा है, मैं मेरा शरीर मैं जो चाहे करूँ, मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करती हूँ, वो बाय मिस्टेक हो गया तो आप इतना बड़ा बवाल बना दिए। जिन लोगों ने मुझे अच्छे से पूछा मैं फिर बता दे रही हूँ, जिन लोगों ने अच्छे से पूछा मैं बाय मिस्टेक वो गलत आंसर कर गई, नो फिर मैंने एडिट भी किया है, हाँ पहना है मैंने, इसमें मैं बवाल क्यों, मैंने एडिट भी किया, लेकिन जिन लोग ये समझो यार मैं बच्ची को सुलवाया काम कर रही हूँ किचन में, तंग आ गया, काम भी करते हैं ब्लॉगिंग भी करते हैं सब कुछ करते हैं, और आप लोग यार इतनी छोटी सी बात करके शॉर्ट्स पहन लिया, बताओ प्रियंका के पे जाके दो तीन लोग कमेंट करने लगे, अरे तुम ऐसी हो, तुम्हारी फ्रेंड वो ऐसी है, उसका झूठ पकड़ा गया, हम फ्रेंड नहीं बन सकते, मत बनिए मत बनिए। और यहाँ कोई एटीट्यूड नहीं है, यहाँ गुस्सा वाली बात है कि आप लोग इतनी सी बात पे गालियां देके जाओगे, तुम होते कौन हो गाली देने वाले, अपना चेहरा देख लेना शीशे में जाके, समझ में आया? मैं एक चीज और सोच रही थी क्योंकि कॉमेंट आया है, इसलिए मैं बता दूं कि झूठी हूं मैं, तो एडिटिंग के टाइम पे दिखता है, तो आई नो मैं एक्सेप्ट करती हूं, बट एडिटिंग के टाइम पे मैं वो पार्ट देखती हूँ जिस पार्ट में मैं बोली नहीं हूँ, जिस पार्ट में जैसे अब मैं ये पार्ट में बोल रही हूँ, तो इस पार्ट को मुझे देखना क्या है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितना बोला है उतना ही क्लिप होगा, लेकिन वो बाय चांस टैनी ने मुझे एकदम से बोलना हुआ कि मम्मा हटो, वो टीवी का कर रही थी कुछ, मेरे अगर सच में दिमाग में होता मैं नहीं दिखाती, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं झूठी है गालियाँ दे रहे हैं ये कर रहे हैं, तो आप लोग ने ना बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया, दूसरों को ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला बंदा क्या हर्ट करेगा, और झूठ बोल रही हूँ फेमस होना चाहती हूँ, क्या यार कैसी सोच है, ऐसा करके फेमस हो जाता है क्या? कोई फेमस नहीं हो पाता ऐसे, ना मैं ना आप ना कोई और, वो बाई चांस मिस्टेक था, सब कुछ बाई चांस हुआ, वो टेनी ने कब बोलना हुआ, मेरा ऐसे खाना हुआ और अचानक मिरर में दिख गया, अगर मुझे वो दिखता मैं नहीं दिखाती, आज तक दिखाया मैं इतने टाइम से पहन रही हूँ, आज तक दिखाया 2 महीना हो गया मुझे इस घर में आए हुए, हो जाएगा 4 तारीख को, अभी तक दिखाया मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा ना आपको, तो फिर मैं क्यों दिखाऊंगी? सोचिए इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करोगे, ये बंदी तब से भी तो नहीं दिखाई, तो मैं अब क्यों दिखाने लगी ये सारी चीज़ें, मैं झूठी हूँ कहाँ से झूठी हो गई? एडिटिंग के टाइम पे मैं ये पार्ट नहीं, अभी जैसे ये बोल रही हूँ इस पार्ट को भी मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे बोला है, तो ऐसे उस पार्ट में भी मैंने बोला मैंने नहीं देखा,
बट क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यहाँ झूठी, ये झूठी, वो झूठी, फलाना झूठी, ढिकाना झूठी, ये वो, इतना जज, इतना इतना बोलते हो आप लोग, ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा अपने घर में अकेले रहता है, क्या उस पर बीतेगा, क्या रहेगा, मतलब अकेले रहता है मतलब से उससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा, और भी काम होते हैं, उसकी लाइफ में भी टेंशन हो सकता है, बस आप लोगों को तो अपना बोला और चलती है। और जिसने वो एक बंदा जो बी कलरफुल ऐसे करके है ना, तो तेरी ज़िंदगी के सारे रंग उड़वा दूँगी अगर दोबारा मेरी आईडी पे अगर कमेंट किया, मैं बता दे रही हूँ, घर में से निकलवा के खिंचवा दूँगी। अभी तो जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, बड़े प्यार से आप लोग जान बोलती हूँ, नहीं करूँ गुस्सा, नहीं, मैं अपने कमेंट का अगर रिप्लाई भी करती हूँ तो वो हेटर का करती हूँ। बट मुझे आज किसी ने कमेंट किया कि ट्विंकल आप हर कमेंट का रिप्लाई मत किया करो, आप उसका किया करो जिसने आपको गलत बोला है या गाली दी है, उसको बोलो, अदरवाइज किसको मत बोलो। तो आज मैं सिर्फ उसी बंदे को बोल रही हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा, उनको मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जिसने मुझे ये गाली दी है ना, उसको मैं अगर दोबारा मेरे कमेंट सेक्शन में आया वो नज़र मुझे, तो याद रखियो बेटा तुझे कहाँ से मैं खिंचवाऊँगी। जितना सीधापन मैं दिखाती हूँ, आई नो मेरे शक्ल से लोगों को लगता है कि मैं ना रूडली बात करती हूँ, रूडली बिहेव दिखाती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा फेस ऐसा ही है, मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है, तो आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को भी शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड जिसको लग रहा है कि वो झूठ बोली हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने वहाँ झूठ नहीं बोला, वो बाई मिस्टेक हो गया। मैं उस टाइम पे भी अपने दिमाग से कमेंट कर रिप्लाई नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरी गैस पे निमकी बन रही थी और मेरा एक फ़ोन से शूट हो रहा था, एक फ़ोन में मैंने कहा देख लेते हैं जस्ट, और मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ भी है। मुझे एक सब्सक्राइबर जो मेरी फ्रेंड है उसका फ़ोन आया, फिर मेरी फ्रेंड प्रियंका का फ़ोन आया, तब जाके मुझे ये सब पता चला, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड थैंक यू टू ऑल सना जिसने मुझे बताया, वरना ये बात तो मुझे पता ही नहीं चलती कि ये बवाल हो किस चीज़ पे रहा है। चलिए मैं इस ब्लॉग को आई डोंट नो कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा।